नमस्कार, आप देख रहे हैं livebihar.com। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। तमाम राज्यों और बुद्धिजीवियों के विरोध के बावजूद आज से पूरे देश भर में जेईई मेंस की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। 1 से 6 सितंबर तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने कई SOPs जारी किए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना हो। आपको बता दें कि पटना जिला प्रशासन ने भी बच्चों की सुरक्षा के लिए कई प्रकार की तैयारियां की हैं ताकि जो संक्रमण का डर है, कोरोना के संक्रमण का, वो किसी भी तरह से किसी भी बच्चे में एक दूसरे से ट्रांसफ़र ना हो सके। इसके लिए जो SOP जारी की है केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो जारी की गई है, उसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। मैं आपको बता दूँ कि यह पहली बार ऐसा मौका होगा जब एडमिट कार्ड, जेईई मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो 4 पन्नों का जारी किया गया है, जिसमें SOP के बारे में भी बताया गया है। बच्चों का तो डिस्क्रिप्शन होगा ही, लेकिन इसके साथ ही बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कई प्रकार की जानकारियां भी देनी होगी। इसके बाद बच्चों का एंट्रेंस कैसे होगा एग्जामिनेशन सेंटर में, इसके लेकर भी जो SOP जारी की गई है, उस प्रकार से बच्चों का जो एंट्रेंस है वो एग्जामिनेशन हॉल में हो रहा है, उसके लिए बाकायदा सबसे पहले जो है उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है। टेम्परेचर नापने के बाद अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर हाई है तो उसके लिए एक आइसोलेटेड बाकायदा रूम बनाया गया है जहां पर वो परीक्षा देगा। इसके बाद टेम्परेचर नापने के बाद उन्हें वहां पर सेंटर पर मास्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। मास्क पहनने के बाद ही वो सेंटर में जा सकते हैं एग्ज़ाम देने। जब बच्चे एग्ज़ाम ख़त्म कर लेंगे और एग्ज़ाम देकर जब बाहर निकलेंगे तो उसके लिए भी एक मानक तय किया गया है। वो अपने एडमिट कार्ड और जो रफ़ वर्क के लिए जो पेपर है वो उन्हें बाहर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ड्रॉप करना होगा। तो कई प्रकार की जो तैयारियां हैं संक्रमण काल को रोकने के लिए जो बनाई गई हैं, उसकी पूरी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पटना जिला प्रशासन के द्वारा इन तैयारियों का बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दूँ कि जो लगातार विरोध हो रहा था इस एग्ज़ाम को रोकने के लिए, उसमें कहा जा रहा था कि बच्चों की सुरक्षा जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना था कि बच्चों का भविष्य भी ज़रूरी है। अब आप ये तय करिए कि बच्चों का सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या भविष्य ज़रूरी है, या फिर दोनों ही ज़रूरी है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि वो एग्ज़ाम उस तरह से ले रहा है ताकि बच्चों का जो खतरा है कोरोना का संक्रमण का, उसके ऊपर वो भी सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की उन्हें कोई खतरा ना पहुंचे, और इसके अलावा जो उनका भविष्य है इस परीक्षा के द्वारा बनने वाला है तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो फिलहाल एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चे पहुंच गए हैं, एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी है, जो SOP जारी की गई है उसके अनुसार ही एग्ज़ाम लेते दिखाई दे रहे हैं प्रशासन। गार्जियन भी इस परीक्षा को लेकर उतने ज़्यादा संकुचित नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि बच्चे की भविष्य के लिए यह एग्ज़ाम ज़रूरी है। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे किस प्रकार से यह एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उसके बाद कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलता है या फिर बच्चों की जो भविष्य है वो बनती है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे livebihar.com। धन्यवाद।